जिला मिर्जापुर थाना क्षेत्र अलहट के ग्राम सभा घरवासपुर में बसपा कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत बैठक करा के काशीराम मिशन के उद्देश्य को बताया और 2022 में बसपा को मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाया। काशीराम मिशन के उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बसपा को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा अभियान अहरौरा मिर्जापुर काशीराम मिशन के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर 15 अगस्त के दिन एक दिवसीय एक कदम परिवर्तन की ओर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन घरवासपुर गांव में किया। बतौर मुख्य अतिथि समृद्धि हॉस्पिटल के डायरेक्टर व प्रदेश प्रवक्ता सरदार सुरेश सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दीपू भाई एडवोकेट वाराणसी जिला प्रभारी मिशन काशीराम डॉक्टर राहुल उपाध्याय टीम मिशन काशीराम विनय कुमार जी व मिर्जापुर जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा मान्यवर काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। काशीराम मिशन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर जिले की जिलाध्यक्ष का स्वागत कर मुख्य अतिथि ने कहा कि काशीराम मिशन का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है और बसपा को बाहर से मजबूती देने के लिए चलाया जा रहा है। पांचवीं बार बसपा की सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में 403 दिन का काशीराम विचार यात्रा निकाली काशीराम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा कैडर कैंप वॉल पेंटिंग भी कराया जाएगा। यात्रा के माध्यम से सभी लोगों को काशीराम के विचारों से अवगत कराया जाएगा और उन्हें बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जाएगा। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार तथा संचालन संजय कुमार विराट कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सरदार सुरेश सिंह विनय कुमार अभिषेक कुमार राहुल कुमार विराट कुमार मनीष कुमार संदीप कुमार संजय कुमार पवन कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता मिशन काशीराम की जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार व संचालन संजय कुमार विराट ने किया। जिला मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ साले यासीन के खास रिपोर्ट। जी सर, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर सरदार सुरेश सिंह है। गांव का नाम क्या पड़ेगा आपके? मेरा गांव तो यही में है, मिर्जापुर जिले में। जी सर, यहां पे 15 अगस्त के मौके पर आप लोग एक सभा बैठा एक मिशन लेकर के आए हैं, इसमें मिशन में आप क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिशन का यही उद्देश्य है कि जनता, संपूर्ण जनता की मैं बात करूं तो हमारी जनता जो तीनों सरकार की स्थिति देख चुकी है, जो बसपा सरकार रही है, जो कि बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उसके बाद वर्तमान में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और ये जनता के सामने बहुत बहुत ही बढ़िया उदाहरण पेश करने का समय है कि तीनों पार्टी निष्पक्ष बहुमत में सरकार बनाई है और जनता के सामने ये एक अच्छा समय है उनको ये देखने के लिए कि तीनों में बेहतर कौन है, और हम लोग भी उसी जनता से निकल करके और हम लोग ने भी ये वाच किया कि तीनों में बेहतर कौन है, तो समझ में आया कि ये तो बेहतर बहुजन समाज पार्टी है, जो कि मायावती के समय में शासन प्रशासन और गरीबों की सुनवाई, बेरोजगारी तमाम चीज़ों को देखते हुए नौकरी, तमाम युवाओं को नौकरी देना, ये सब सारी चीज़ को सर्वांगीण और चारों तरफा विकास हुआ है, उसको देखकर हम लोगों ने एक मुहिम लेकर चले हैं कि उनकी सरकार बने और जाके हमारे जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल जिंदगी जिए, यही लेकर के हम लोग इस जनता के बीच में संदेश। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं वाराणसी से हूँ। मेरा गांव पड़ेगा एड़े, जो कि लंबी सटा हुआ। जी सर, सर ये गांव घरवासपुर में आप लोग तिरंगा फहराते हुए अपने पार्टी का यानी काशीराम के नक्शे कदम पर चलने के लिए पार्टी का जागरूक के लिए यहाँ के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बधाई देना चाहते हैं? हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग पांचवी बार बसपा सरकार बनाने हैं, तो बसपा का विजय रथ हम लोगों ने तैयार किया है, जो कि उस बस में एक रूम लैट्रिन बाथरूम किचन है और ऊपर से मंच बना हुआ है, जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम लोग घुमाने का कार्य कर रहे हैं। जी, ये कई तारीख से विजय रथ निकल रहा है? ये विजय रथ निकल चुका है 19 तारीख से और इस समय मुजफ्फरनगर में है। सर, इसके बारे में और कुछ करना चाहते हैं? ये बस संपूर्ण उत्तर प्रदेश घूमेगा, हर विधानसभाओं में हम लोग जाएंगे, कोई भी विधानसभा छूटेगा नहीं, हर विधानसभा का हम लोग कम से कम 100 गांव कवर करते हुए जाएंगे। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए।